हेलो स्टूडेंट्स, कैश फ्लो में आज हम लोग इस इलस्ट्रेशन को देखेंगे। एक स्टूडेंट का डाउट आया कि इस इलस्ट्रेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, तो ध्यान दीजिएगा इस इलस्ट्रेशन में दिया क्या है। पहले ये बैलेंस शीट दिया है, नीचे आपको नोट्स टू अकाउंट्स है और नोट्स टू अकाउंट्स में आप यहाँ देखेंगे फिक्स एसेट्स है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है और फिर फिक्स एसेट्स से रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन और है। हम लोग पढ़े थे कि कभी भी फिक्स एसेट्स के साथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अगर 2 साल का दिया रहता है और नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन होता है, तो हम लोग 3 लेजर बनाते हैं। एक फिक्स एसेट्स का लेजर बनाते हैं, एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर बनाते हैं और तीसरा फिक्स एसेट्स डिस्पोजल का लेजर बनाते हैं। एक स्टूडेंट आज हमसे पूछी भी थी कि हम लोग को डिस्पोजल अकाउंट बनाना जरूरी है क्या। देखो, जरूरी नहीं है, लेकिन हम लोग 3 लेजर बनाते हैं और उससे हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाता है, तो आप लोग भी 3 लेजर करके ही बनाएं तो अच्छा रहेगा। 2 लेजर से भी काम हो सकता है, लेकिन डिस्पोजल अकाउंट भी बना लेने से हमारा सॉल्यूशन आसान हो जाता है। बहुत सिंपल है, ध्यान दो। सबसे पहले बनाएंगे फिक्स एसेट्स अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। फिक्स एसेट्स अकाउंट में इधर लिखेंगे टू बैलेंस बीडी जो ओपनिंग बैलेंस है, इधर लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी जो क्लोजिंग बैलेंस है। उसी तरह एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का इधर लिखेंगे बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस और बैलेंस सीडी में क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। अब देखो पॉइंट में देता क्या है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कि फिक्स एसेट्स सोल्ड किए 10,000 में जिसका कॉस्ट था 20,000 और जिस पे ऑलरेडी डेप्रिसिएशन हो चुका है 6,000, तो जो बेचे उसका कॉस्ट था 20,000 और उस पे ऑलरेडी डेप्रिसिएशन यानी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन विच वॉज सोल्ड दिया हुआ है 6,000। तो जो मशीन बेचे या जो फिक्स एसेट्स बेचे उसका पूरा कॉस्ट हम लोग यहां से फिक्स एसेट्स अकाउंट से निकाल के फिक्स एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसको फिक्स एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे जितने का बेचें यानी 20,000। तो 20,000 का फिक्स एसेट सेल किए तो फिक्स एसेट डिस्पोजल अकाउंट में उसको ट्रांसफर करेंगे। इसका जर्नल बनेगा फिक्स एसेट्स डिस्पोजल टू फिक्स एसेट्स, तो यहां आ जाएगा टू फिक्स एसेट्स के नाम से। अब जो बेचे उस पर डेप्रिसिएशन दिया हुआ हम लोग को 6,000, तो वो यहां लिखेंगे हम लोग टू फिक्स एसेट डिस्पोजल अकाउंट, यानी जो फिक्स एसेट्स बेचे उसका पूरा कॉस्ट फिक्स एसेट्स अकाउंट से निकाल के डिस्पोजल में ट्रांसफर कर दिए और जो बेचे उसका डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाल के डिस्पोजल में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये यहां आ जाएगा बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट करके। अब इसको बेचे हम लोग 10,000 में, तो लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट 10,000। अब तीनों को बैलेंस करते हैं, इसको बैलेंस करेंगे परचेज निकल जाएगा, इसको बैलेंस करेंगे करंट ईयर का डेप्रिसिएशन निकल जाएगा और इसको बैलेंस करेंगे तो प्रॉफिट या लॉस निकल जाएगा। तो इसमें देखो इधर है 1,00,000, बैलेंस किया आया 18,000। ये 18,000 का निकल गया हम लोग का परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स और ये चला जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में माइनस में फिक्स एसेट्स खरीदे। उसी तरह एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को बैलेंस करेंगे तो 36,000 माइनस किया आया 14,000, तो ये 14,000 निकल गया करंट ईयर का डेप्रिसिएशन और ये चल जाएगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। कभी कभी ये करंट ईयर का डेप्रिसिएशन दिया रहेगा तो हम लोग ये फिक्स एसेट्स जो बेचे हैं उसका डेप्रिसिएशन निकल जाएगा। ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे भी जो परचेज हम लोग का निकला, कभी कभी ये परचेज दिया रहेगा तो जो बेचे उसका कॉस्ट निकल जाएगा, तो कोई एक दिया रहेगा दूसरा निकल जाएगा और इसको बैलेंस किए तो लॉस निकल गया। तो जब भी डिस्पोजल अकाउंट बनाने से ये फायदा होता है कि तीनों अकाउंट में आप देखें चार चार आइटम जाता है, इसका बैलेंस बीडी बैलेंस सीडी, जो बेचे उसका पूरा कॉस्ट इधर लिखेंगे तो हम लोग का परचेज निकल जाएगा और अगर कभी परचेज दिया रहेगा तो जो बेचे उसका कॉस्ट निकल जाएगा। फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में भी बैलेंस बीडी बैलेंस सीडी, जो बेचे उसका डेप्रिसिएशन इधर लिखेंगे तो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन निकल जाएगा, कभी करंट ईयर का डेप्रिसिएशन दिया रहेगा तो जो बेचे उसका निकल जाएगा, ठीक है। और डिस्पोजल तो एकदम सिंपल है। फिर देखो प्रोविजन फॉर टैक्स यहां 2 साल का दिया हुआ है और नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में प्रोविजन फॉर टैक्स मेड दिया हुआ है, तो आपको 2 साल का टैक्स का प्रोविजन दिया हुआ और टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है, तो हम लोग प्रोविजन फॉर टैक्स का भी लेजर बना लेंगे। हम लोग इधर सबसे पहले लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, जो मेड दिया इधर लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल, तो पेड अपने आप बैलेंसिंग फिगर में निकल जाएगा और पेड दिया रहेगा तो मेड निकल जाएगा। ये मेड जाता है एनपीबीटी में और पेड ऑपरेटिंग में सबसे लास्ट में माइनस करते हैं, ये आएगा 7,000 और ये हम लोग पेड
सबसे लास्ट में माइनस कर देंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। अब देखिए यहाँ पीएल का बैलेंस बढ़ रहा है, तो ये हो गया प्रॉफिट एज पर पीएल बैलेंस, ये सबसे ऊपर लिखेंगे। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व यहाँ नहीं है कुछ भी। प्रपोज डिविडेंड में हम लोग लेते हैं, 2 साल का प्रपोज डिविडेंड कंटिजेंट लाइबिलिटी में दिया है, तो यही मेड होता है और यही पेड होता है, तो ये 10,000 मेड में चला जाएगा। टैक्स का प्रोविजन मेड दिया हुआ था 9,400 और इंटरिम डिविडेंड देखो सबसे लास्ट में यहाँ दिया 9,000, तो ये इंटरिम डिविडेंड यहाँ 9,000 लेंगे और यही फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इंटरिम डिविडेंड पेड के नाम से माइनस भी करेंगे। तो एनपीबीटी आ गया 28,800, सबसे पहले एनपीबीटी लिख दिए। उसके बाद हम लोग का यहाँ डेप्रिसिएशन आया था 14,000, ये डेप्रिसिएशन आ गया। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स आया था 4,000, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स आ गया। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स आपको निकालना पड़ेगा। इस पे भी एक स्टूडेंट क्वेश्चन किया था कि सर डिबेंचर का इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हैं, नहीं दिया है, तो आपको यहाँ पे देखो डिबेंचर पे इंटरेस्ट रेट लगा है और जब भी रेट लगा रहेगा आपको इंटरेस्ट देना है। तो देखो डिबेंचर्स बढ़ रहा है, तो ये जो नया इशू किए 2000 का, वो 2000 का कब इशू किए इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो हम लोग मान लेंगे कि जो 2000 का इशू किए वो साल के लास्ट में इशू किए और ये ओपनिंग का जो 12,000 बैलेंस है, इस 12,000 का 15% इंटरेस्ट यानी 1800 इंटरेस्ट हम लोग दे देंगे, तो इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स 1800 दे देंगे। आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फिर करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटी का काम किए, तो आ गया कैश फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर इनकम टैक्स, फिर इनकम टैक्स पेड हम लोग यहाँ निकाले थे 7,000, ये इनकम टैक्स पेड माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स हम लोग का यहाँ था देखो 10,000, तो सेल ऑफ फिक्स एसेट्स यहाँ प्लस करेंगे और परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स हम लोग का आया था यहाँ देखो 18,000, तो ये परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स माइनस करेंगे, ठीक है। अब हम आपको बताए थे कि जो इंटरिम डिविडेंड यहाँ है वही मेड होता है और वही पेड होता है, तो इंटरिम डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग में माइनस करेंगे। यहाँ पे फाइनल डिविडेंड पेड पे थोड़ा ध्यान देना है। देखो ये जो प्रपोज डिविडेंड कंटिजेंट लाइबिलिटी में है, तो हम आपको बताए थे जो 10,000 दिया है ओपनिंग वाला, क्लोजिंग से तो कोई लेना देना होता नहीं है, ओपनिंग वाला ही हम लोग मेड लेते हैं और ओपनिंग वाला ही पेड लेते हैं, तो ये एनपीबीटी में हम लोग ऐड करते हैं और फिर फाइनेंसिंग में माइनस करते हैं। लेकिन जरा सोचो कि 10,000 हम लोग को डिविडेंड इस क्वेश्चन में पे करना था, ठीक है, लेकिन यहाँ अदर करंट लाइबिलिटी में देखो डिविडेंड पेएबल हम लोग का बढ़ गया 2,000। इसका मतलब है कि जो भी आपको डिविडेंड पे करना था उसमें से 2,000 आप पे नहीं कर पाए, ये अभी करंट लाइबिलिटी में है। तो 10,000 आपको डिविडेंड पे करना था जिसमें 2,000 आप पे नहीं कर पाए, तो एक्चुअली में डिविडेंड पे कर पाए 8,000। तो ये 10,000 एनपीबीटी में तो ऐड करेंगे, लेकिन फाइनेंसिंग में जब माइनस करते हैं डिविडेंड पेड के नाम से, तो हम लोग सिर्फ 8,000 माइनस करेंगे, क्योंकि 2,000 जो अभी पे नहीं हो पाया। बहुत लोग गलती करते हैं, ये डिविडेंड पेएबल भी इंक्रीज डिक्रीज में ले लेते हैं, गलती से भी ये डिविडेंड पेएबल इंक्रीज डिक्रीज में मत लेना। 10,000 डिविडेंड पेड होना चाहिए था, इसमें 2,000 पे नहीं हो पाया तो सिर्फ 8,000 पे हुआ, तो 8,000 डिविडेंड पेड के नाम से माइनस करेंगे, लेकिन इसको इंटरिम डिविडेंड से कोई लेना देना नहीं। कभी भी क्वेश्चन में इंटरिम डिविडेंड दिया रहे तो ये अलग होता है, इसको ये डिविडेंड से कोई लेना देना नहीं है। इंटरिम डिविडेंड हमेशा दो जगह जाएगा, याद कर लो, एनपीबीटी में प्लस करेंगे और फाइनेंसिंग में माइनस करेंगे, ठीक है। तो इंटरिम डिविडेंड पेड है 9,000 और फाइनल डिविडेंड देना था 10, जिसमें से दो नहीं दे पाए तो 8,000 दिए। डिबेंचर इंटरेस्ट हम लोग ऊपर देखो कैलकुलेट किए थे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 1800 वो भी पे किए, तो यहाँ माइनस भी होगा। कैश क्रेडिट देखो यहाँ घट रहा है, तो कैश क्रेडिट या बैंक ओवरड्राफ्ट होगा तो वो भी फाइनेंसिंग में लेंगे। कैश क्रेडिट बढ़ेगा तो बढ़ा देना, घटेगा तो घटा देना। फिर इशू ऑफ शेयर्स है, मेरे पास जगह नहीं, आप कर लेना, इशू ऑफ शेयर्स प्लस करेंगे, इशू ऑफ डिबेंचर्स प्लस करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आज इतना रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।